इच्छा नहीं रही कभी भी। भारत के इतने हजारों वर्ष के इतिहास में हमने कभी किसी की तरफ तलवार नहीं उठाई, लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है। और सौभाग्य से आज मैं पाटलिपुत्र में हूँ, आज मैं पटना में हूँ। मगध से ज्यादा कौन इस बात को जानता है कि विश्व के कितने भी बड़े सिकंदर सेल्यूकस हों, अगर हम अपनी सफलताएं, हमारे अलका, हमारे सिंगरण, हमारे चंद्रगुप्त जाग जाएं, तो न केवल पराजित होकर जाना पड़ता है बल्कि मन और हार के जाना पड़ता है। उनकी पुत्रियों के विवाह भी यहाँ हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को ये समझना चाहिए कि उधार के हथियार पर हौसला नहीं आता और भारतीय सेना को वो प्रवोक न करे। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार और भारत की सारी राजनीतिक सोच और भारतीय इच्छा नहीं रही कभी भी। भारत के इतने हजारों वर्ष के इतिहास में हमने कभी किसी की तरफ तलवार नहीं उठाई, लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है। और सौभाग्य से आज मैं पाटलिपुत्र में हूँ, आज मैं पटना में हूँ। मगध से ज्यादा कौन इस बात को जानता है कि विश्व के कितने भी बड़े सिकंदर सेल्यूकस हों, अगर हम अपनी सफलताएं, हमारे अलका, हमारे सिंगरण, हमारे चंद्रगुप्त जाग जाएं, तो न केवल पराजित होकर जाना पड़ता है बल्कि मन और हार के जाना पड़ता है। उनकी पुत्रियों के विवाह भी यहाँ हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को ये समझना चाहिए कि उधार के हथियार पर हौसला नहीं आता और भारतीय सेना को वो प्रवोक न करे। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार और भारत की सारी राजनीतिक सोच और भारत